पहले पद्मासन में बैठ जाइए। अभी योग का प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना अंतःकरण शुद्धि करता है। भगवान का साथ हमारा मन लेकर जाने के लिए सहायता करता है। प्रार्थना चारों तरफ माहौल निर्माण कर बनाता है। इसलिए पहले योग करने के पहले गुरु स्तुति, पतंजलि स्तुति, ओम उच्चारण करना चाहिए। ओ गुरुस्तुति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पतंजलि स्तुति योग का आदि गुरु है। योग करने से पहले उनका स्तुति प्रार्थना जरूरी करना चाहिए। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। इस तरह प्रार्थना करके पूरा योगासन करना चाहिए। पूरा योगासन करने के बाद शांति मंत्र बताना चाहिए। ओम असतो मा सद्गमया तमसो ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यह शांति पाठ असत्य से सत्य तक, अंधकार से ज्योति तक, मृत्यु से अमृत तक
सभी को लेकर जाइए। सभी को स्वस्थ पूर्ण जीवन जीने के लिए भगवान का आशीर्वाद और कृपा होना चाहिए। सभी को भी शांति जरूरी पाना चाहिए। सभी को भी मंगल होना चाहिए। सभी को भी पूर्णत्व पाने के लिए यह प्रार्थना है। विश्व एक परिवार है, इसलिए सभी को भी स्वास्थ्य शांति मंगल पूर्णत्व पाने के लिए यह प्रार्थना है। मातृभूमि का मंत्र। मित्राणि धनधान्यानि सम्मतानि वा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हिमालयं समारभ्य यावत् इंदो सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्थानं प्रचक्षते। ओम